अबे और रंगीले, हर हफ्ता फिल्म देखने को टिकट लगता है ना, वैसा जीने को भी हफ्ता लगता है, समझे? चल हफ्ता निकाल। हफ्ता? कैसा हफ्ता? फटा पोस्टर निकला हीरो। ये कौन है? असली हीरो हीरालाल। हाँ समझे। ए रंगीले हफ्ता निकाल। यारी का सवाल, रंगीले हफ्ता नको देना, बीच में पड़ा तो फाड़ को रख देगा। पोस्टर ना समझा है क्या? नुक्कड़ पे फिर कभी हफ्ता मांगा तो खस्ता कर देगा। क्या लगे मारते? मारो साले को। खबरदार, नाखून जो उठाया तो खून कर देगा, कदम जो बढ़ाया तो दम तोड़ देगा। नहीं नहीं हीरो, झड़ो नको, बता करके ठीक करते हैं। ये लाता के भूत बाता के नहीं, ये देख मुहूर्त। देखो ये देखो ट्रेलर। जय बजरंगबली और दुश्मन की नली। और इधर आ जा, पिक्चर फिर से शुरू। अब देखो क्लाइमैक्स। और ये पैसा वसूल। देख लेगा तेरे को
शहर में जीने नहीं देगा। मैं तेरे को मरने नहीं देगा। क्या ये उल्टा बोल गया? उल्टा होना, सीधा होना, डायलॉग में वजन बराबर होना, क्या ये डायलॉग तू अपनी पिक्चर के लिए छोड़ दे, असली जिंदगी में नहीं चलता है, फिलअप हो जाता है। तेरे को तो मुसीबत मोल लेने की आदत पड़ गई है। अरे मुसीबत आजकल मुफ्त मिलती है, क्या करें? सीधा कभी बात ही नहीं करता। अरे रंगीले अपुन है जैसा। हीरो सुन, याद है आज फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बच गया बदनसीब। अरे वारे मेरे मालिक, ये हिंदुस्तान का पब्लिक। अरे पब्लिक परेशान, छुआ तक नहीं और इतना सारा खून निकल आया।
आपका खून बिना वजह बहता क्या भाई? खून तो नकली था लेकिन डर तो असली लगाने। तेरे को डर लगता है तो देख के चला करना। ए, तेरे को तो मैं अंदर नहीं करा दिया ना तो मेरा नाम भगवान नहीं। काहेगा भगवान, तेरे जैसे भगवान चार चार आने में मिलते हैं इधर। अरे ए, तेरी तो ए, तू मेरे साथ ज्यादा जीबा जोड़ी मत करा, बोलता हूँ मेरा गुस्सा बहुत। एक हाथ नहीं लगाने का नहीं तो भगवान से इंसान बनाने का। अरे जा जा बहुत रास्ता पकड़ भाई, देखना एक तो जान बचाया ऊपर से गले पड़ता है। अरे क्या बचाया क्या बचाया, एक तो आदमी से कार्टून बना दिया, लग जाता तो लगने के बाद बोलने का। अरे तारीफ तो जाने दो ना भाई साहब। हीरो चल तू अंदर बैठ। अरे मगर वो हाथ लगाया ना उसको। भाई क्यों पागल आदमी के मुंह लगते? अरे पागल है तो पागल खाने में लेके जाओ, रास्ते में कुल्ला चढ़ाओ। ठीक है मैं देखता हूँ आपके लिए। अरे चले चले। अरे जा अरे जा जा, वो देखिए भगवान से टकराने आया सलाम चचा। अरे क्या यारो, और शिकायत आ रहा है तुम्हारे? आज फिर मारम पिट्टी बोले गई का? अरे चचा रंगीला के पोस्टर भाड़े तो उस आदमी की जान लेने का। अजीज भाई अभी अभी एक आदमी को मारते मारते छोड़ा है गाड़ी के नीचे। अरे ये गलत बात है यारो, आजकल मार से नहीं माल से काम चलता है, बड़े बड़े मुल्क इन्वॉल्व है इसमें। दुनिया मारम पिट्टी छोड़ो और दिमाग से काम लो, अगर कहीं उल्टा सीधा हो जाएगा तो। अरे हो जाएगा तो हो जाएगा चेचा, अपना कौन बैठा आंसू बहाने को? अरे हम नहीं है क्या? हमें रोना नहीं आता? अरे रंगीले मियाँ, उन्हें रोने वाले की नहीं रोने वाली की बात कर रहा। वो भी आएंगे कभी कभी। सपना देखने लगा? अरे मैं नहीं देखता यार, वो खुद ही चाह जाती। भूल जा, सपने वाली सच कैसे हो सकती है? सच नहीं होती तो सपने में कैसे आती? हाँ ये भी सही है। अच्छा लड़की कैसी है? दुनिया में नीली नीली आंखें, काले काले बाला, गोरा बदन, गुलाबी गाला। वाह, बनाने वाले को पता नहीं कितनी फिल्में देखनी पड़ी होंगी। एक बार मिल जाए बस, फिर देखना ऐसा इश्क होएगा, ऐसा बेमिसाल इश्क जो ना कभी हुआ है ना कभी होएगा। ये लो हीरो, स्पेशल डबल मसालेदार कड़क। हीरो हीरो अपने शहर में शूटिंग हो रही है क्या? अरे चल जा जा, फेंकता है सारे। ईमान से? अरे बड़े मियाँ शूटिंग वाले कश्मीर जाते, लंदन, पेरिस, फॉरेन जाते, यहाँ आके काय को मरेंगे? माँ कसम। अरे शूटिंग वाले इधर आए तो जरूर डाकू वाली फिल्म होगी, इसको भी देख लेते हैं। ए, 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 हीरो आखिरी डकैत आइटम नंबर 4 फॉर्मूला 44 टेप 14 एक्शन। कौन है माई का लाल जो हमसे टकराने की हिम्मत करे? हाँ अरे कट 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 करो उसको। हटो हटो हटो, नहीं नहीं नहीं, अंदर कैसे है स्टूपिड फूल, निकलो बाहर। अरे काय को इंग्लिश झाड़ता है, एक टक्कर मारेगा तो जिंदगी भर डिस्को करता फिरेगा तू। हाँ अबे क्या करता है, देखता नहीं शूटिंग चालू है? ओ कुछ तो देखने आया मैं। अबे जाना यार, हीरो सुबह से एक भी डायलॉग पूरा नहीं बोला। नकली हीरो है क्या बोलेगा? अरे हटो 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 हटो।
पीछे हटाओ सबको, क्या लगाया है? लोग को धंधा है कि नहीं, वो भी आदमी जैसा हाथी है, क्या देखने का उसको? चलो हटाओ, पीछे हटाओ, हटाओ। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, शूटिंग का जमाना है, शूटिंग का जमाना है। अरे रास्ता छोड़ो भाई, शूटिंग का समय है। अरे वाह वाह, क्या जंप मारा है बॉस। अभी भूख लगाने नहीं आती। लाओ गम लाओ। प्रेम कुमार जी। हाँ जी। शॉट रेडी है। कौन माई का लाल है जो हमसे टकराने की हिम्मत करे? कौन नहीं जानता ठाकुर अंजाम सिंह से टकराने का अंजाम? किसने अपनी मौत को आवाज दी है, सामने आए। कट 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 कट। अरे अरे अरे, तेरे को समझा समझा के बोला, समझ में नहीं आता है? आदमी है के हीरो है तू? क्या पहचाना? अरे रूपा जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? अरे मेरे मालिक बार बार चलिए चलिए यहाँ से। बहुत भारी। अरे यार, तुम लोग को क्या बोलना समझ में नहीं आता है? वायर किधर भी रखता है, अभी हीरोइन का सर फट जाता तो शूटिंग रुक जाता ना। इतना भी समझ में नहीं आता तुम लोग? अरे तुम यहाँ काय को आया? शूटिंग देखने को आया। अरे बहुत शौक है मेरे को शूटिंग देखने का, तुम मेरे को देखने दो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्या मदद करेगा तुम? कुछ भी। तो फिर ये हिंदुस्तान का पब्लिक है ना, हटाओ उसको, चलो जल्दी करो। ओ, आप भेज लो। ये देखो, ये लकीर बन गया। इस लकीर के आगे कोई आएगा, चट से खोपड़ी फट जाएगा, पट पट आंख से खून आएगा, हरा पीला दस छूटेगा, रात को उठ उठ के चौंकेगा। साइलेंस। ए हीरो, ए भाई, संभाल के धीरे रोक, बहुत सामान है। चलो अभी एक एक करके उत्रो, एकदम आराम आराम से उत्रो। हाँ, सामान भी उठाओ सब। चलो एक के बाद एक, अपने अपने रूम में जाओ सामान लेके। अरे भाई, ए भाई, लाओ, मैं ले जाता हूँ। हीरो, ये भी जरा अंदर ले जा। क्या कर रहा है? हैं? एक मिनट, ये ले, ये ले, ये ले। और सुन, कल सुबह जरूर आना, मैं बहुत जल्दी हूं, बहुत काम है मेरे को।
साइड साइड ए भगवान शो चल रहा है आज मैं तेरे तन से अपने मन की प्यास बुझाऊंगा तेरी तो अरे शॉट के बीच में किधर जाता है तेरा ये नापाक इरादा कभी पूरा नहीं होगा कमीने अब तो तुझे तेरा भगवान भी बचा नहीं सकता मेरे को काय को बीच में डालता है खाना ये कोई खाना है जी हाँ ये खाना खाकर मैं एक्टिंग करूंगा जी अरे डायलॉग इसीलिए तो स्लिप हो जाता है गुड़िया से फुट तेरी स्टार की तो अरे मुबारक हो प्रेम कुमार जी मुबारक हो सुना आपने वो आपकी पिक्चर है ना निकम्मा इंसान सुपर हिट हो गई सुपर हिट ठुमरी सलैया में तो 100-100 रुपए की टिकट बिकती है अरे दंगा फसाद हो गया उधर तो मैं तो बोलता हूँ ए पेड़े लाना पेड़े अब्दुल पेड़े लाना और साथ में हार भी लाना ठीक है खाने का क्या करने का है क्या कहेंगे आप लोग चाइनीज चाइनीज अरे तो बोलो ना अभी लेके आता हूँ ए अब्दुल फटाफट गाड़ी में जाओ प्रेम कुमार जी के लिए चाइनीज फूड लेके आ फटाफट रूपा डाले जरा खड़े हो जाओ प्लीज मैं बहुत थक गई हूँ थकान व्हाट थकान स्टार स्टार बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कम ऑन कम ऑन गेट अप गुड वेरी गुड अब ये हाथ कमर पे रख के लट्टू की तरह घूम जा लोगों का तो कुछ ख्याल करो अरे भाई इनसे क्या शर्माना इन्हीं के इशारों पे तो हम लोग नाचते हैं अबे होटल है ओ, ओ, फेसिंग दो दर्द हो तो सहो लेकिन मुस्कुराओ क्या है प्रेम कुमार जी शॉट तैयार है आप मुस्कुराने की प्रैक्टिस करिए हम शॉट देकर आते हैं मेरा शॉट कब होगा जी मैडम आज तो लगता है आपका शॉट शायद ही होगा तो कहना चाहिए ना हाँ अब आप आराम से बैठिए ना कुछ ठंडा गर्म मंगाओ कोई मैगजीन मंगाओ मायापुरी या फिल्मी कलियां मुझे होटल जाना है हाँ तो आप बैठिए मैं बंदोबस्त करता हूँ मुझे फौरन जाना है गाड़ी मंगाओ ओ मैडम क्या है कि वो एक गाड़ी तो उनकी सिगरेट लेने गई है और दूसरी चाइनीज खाना लेने गई है तो आप बैठिए ना आराम से करता हूँ थैंक यू मैं चली जाऊंगी मैडम आइए मैम साहब मैं आपको होटल छोड़ देता हूँ नहीं चाहिए अरे बहुत दूर है शहर यहाँ से और आपके पांव देखिए बहुत नाजुक हैं पैदल चलते चलते छाले पड़ जाएंगे आइए बैठिए मैं आपको छोड़ देता हूँ कहना नहीं चाहिए अरे चारों तरफ दूर दूर तक वीरा है खतरनाक जंगली जानवरों का आना जाना है अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा लोग क्या बोलेंगे कि हीरो के रहते जीरो कैसे हो गया हीरो हाँ मैं हीरो हीरालाल नाम है मेरा हीरो हीरालाल मुझे रिक्शा नहीं चाहिए क्यों पीछे पड़े हो अरे उधर का गुस्सा इधर निकालना है तो भी चलेगा लेकिन पैदल नको चलिए हीरो की गाड़ी में आ जाइए मैं आपको सही सलामत होटल तक पहुंचा दूंगा तकलीफ से तकलीफ निकालने में तकलीफ और बढ़ जाती है अरे बैठिए ना ठीक है सो मेरे को हीरो बोलते आप बोलेंगी नाम हीरो दिखने में जोकर तो मेम साहब कभी कभी जो ऊपर से जाहिर होता है ना वो आंख का फरेब होता है महज असल बात तो अंदर की होती है दिल की दिमाग की है कि नहीं मेम साहब मेरे को फिल्म का बहुत शौक है फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ रिकॉर्ड है मेरा मैं बोला पिक्चर चलेंगी तो चलेंगी सिल्वर जुबली हाउस फुल मैं पास नहीं किया तो पिक्चर का डब्बा गोल सच कहता हूँ दो रील दिखा दो पूरा पिक्चर का स्टोरी क्लियर मैं जो क्लाइमैक्स बोलेगा वही चोएगा रील बाय रील वन बाय वन पटाफट तुम चुप नहीं रह सकते
समझ गया समझ गया। अरे ये कहाँ जा रहे हो? फिकर न को, भरोसा कीजिए। ये कहाँ ले आए? क्या है कि जब दर्द हद से गुजर जाए और कोई बांटने वाला नहीं हो तो किसी बूढ़े बरगद को छूकर अगर दिल खोल के चिल्लाओ तो वो सारा दर्द खींच के जमीन में उतार देता है। क्या? हाँ सच कह रहा हूँ, आजमा के देख लीजिए। अरे सच कह रहा हूँ, अरे आइए उतरिए ना। अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ऐसे छू के। अरे आइए ना, मजा नहीं आया तो पैसा वापस, गारंटी है। देखिए ऐसे लिपट के। अरे आइए ना, आइए यहां खड़ी हो जाइए, यहां खड़ी हो जाइए। संभल के, हाँ अब चिल्लाइए। अरे ऐसे चिल्लाने से क्या होएगा, जोर से दिल खोल के चिल्लाइए। ऐसे चिल्लाइए, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। साथ में आइए। थैंक यू हीरो हीरालाल। ये जुल्म नको। मेम साहब, रूपा जी आप मेरे साथ घूमने चलेंगी कभी? कहाँ? देखना चाहें तो बहुत कुछ है यहाँ देखने को। अच्छा ठीक है, देखेंगे। गुड मॉर्निंग रूपा जी। नकली तलवारें, नकली दार हो गई तो नकली हीरो को असली में लग जाएगी। दुनिया में ऐसी ऊंचाई बनी नहीं। मेरे को देखने दो, मेरे को देखने दो, जादू है मेरे हाथ में। एक सेकंड में चैन अंदर दर्द बाहर। ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। एक सेकंड में मास्टर हिलाओ। अरे ये तो ठीक हो गया। हीरो, तेरे हाथ में तो जादू है यार। जब से अपना वो हांगकांग का टाइगर बाम खलास हुआ है, मैं
तब से अपनी जिंदगी में तो दर्द ही दर्द है। अरे टाइगर बाहम को छोड़ो और हैदराबादी हाथ को कमाल देखो किधर है दर्द। थोड़ा ऊपर। ये बड़े बड़े नवाब साहब गोरे लाट साहब मेरे हाथ का खाना खाते खाते अपनी हाथों की उंगलियां खा गए और ये मेरा खाना फेंकता है। साला स्टार बनता है। ऐसे स्टार ना बाजार में गाजर मूली के भाव में मिलते हैं। साला फिल्म लाइन से बाहर आएगा ना पंखा खींचने की नौकरी नहीं देगा कोई इसको। साला मेरा खाना फेंकता है। अरे नादान है रोटी को ठोकर मारता है। रोटी इसको ठोकर मारेगी ना तो हाथ में प्याला लेके चार मीनार पे मिलेगा। हाँ अब देखो ना तुम ही देखो इसके खाने में थूक दूं। ओ, गरीब आदमी और कर भी क्या आ सकता है। अरे अबे अबे ये क्या। अरे अबे चार दम खाने में चार दम रुक तेरी तो खाना लाया सर। लीजिए साहब आपकी थाली में थूक है। क्या? हाँ साहब आपकी थाली में कुक का थूक है। मेरी थाली में थूक है वो भी कुक का। हाँ साहब साले कुक ने कभी ना थूक तेरा तो मैं कीवा बना बन जानियो। साले कुक को थूक कीवा बनाएगा। भगवान जी 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 प्रेम कुमार जी एक घंटे में नया थूक लाओ। मेरा मतलब नया कुक लाओ। मेरा मतलब है नया खाना लाओ। जी साहब अगर एक घंटे में खाना नहीं आया ना तो बैकअप और साथ में तेरा भी बैकअप। ओके समझ जाओ मेरे मालिक। चिचा ओ चिचा बहुत बुरा हाल है। 40 लोगों के पेट का सवाल है और इसका जिम्मेदार हीरो हीरालाल है। चिचा 40 लोगों को खाना चाहिए। मैं खाना लेकर जाता हूँ लौट के आता हूँ पूरी स्टोरी सुनाता हूँ क्या से क्या होगा। दे जाओ दे जाओ जितना होना दे जा कम पड़े तो फिर आना। हाथ तो बटाओ बाप का मानना सही चिच्चा का तो है। चलो जल्दी करो खान साहब। अरे संभल के रोटियाँ लेकर आओ। चलो भगवान भाई चाचा ये है मेरे दोस्त खाते नहीं गोश्त नाम का भगवान है दिल का इंसान है इसी की मेहरबानी से गला पहलवान है। चलो चलो भगवान भाई खाना पहुँचा। अजमेर मैं शाम को आके हिसाब चुका दूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी है मेरा कार्ड। हवा हवाई प्रोडक्शन बॉम्बे। सॉरी डार्लिंग बहुत इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं हमारे इंतजार का मजा ही कुछ और है। तुम्हारा जो शबाब है ना इसका जवाब नहीं इसे किसी गलत हाथ में मत पड़ने दे। इसके लिए तो ये हाथ संभालिए अब डगमगा रहे हैं। नहीं कभी नहीं प्रेम डगमगाता है तो दुनिया डगमगाती है। प्रेम जी ये आप क्या करें अब होश में नहीं है। तो होश में लाओ ना हमें।
प्लीज आप चले जाइए। ये इंडस्ट्री भी क्या चीज है मेरी बुलबुल, यहां हर कोई नाजायज फायदा उठाना चाहता है। ये तो शुक्र है कि मैं तुम्हें मिल गया, इतना बड़ा स्टार, सुपरस्टार। तुम्हें और क्या चाहिए? आओ मेरी रात की रानी, हमें खुश करो। आज रात हम तुम्हें स्टार बना देंगे। मेरे जूते, जूते जूते जूते। कल घूमने चले? कल 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 हाँ एक मौका है खोना नहीं, बाद में फिर रोना नहीं। एक कच्चाना। कल रात जो भी हुआ उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है, बल्कि यह कहना चाहिए कि मैं शर्मिंदा हूं। खैर रात की बात कही, इन फूलों को देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरह बेजोड़, खूबसूरत और नाजुक हैं। वही होश उड़ा देने वाली खुशबू, इन्हें ले लो रूपा। इन फूलों का क्या गुनाह है? गुड मॉर्निंग रूपा जी। गुड मॉर्निंग। इसे बालों में लगा लीजिए, बुरी नजर से बची रहेंगी। खुद ही लगा दो। मैं? क्यों नहीं। लग गया, चले। ये है गोलकुंडा का किला फोर्ट। ये पूरा किला पत्थरा, खून पसीना और इंसानी हड्डियां से बना। और सच कह रहा हूं, इसकी तामीर को 62 साल लगे। 62। ये लीजिए। ये देखिए, ये है बाबे बाला हिसार मेन गेट। लकड़ी का बना है, ऊपर लोहे का पत्रा है, बाहर से दुश्मन देख ना को सकता, हाथी घोड़ा तोड़ ना को सकता। 500 साल पुराना है, 500 years। अभी आपको दिखाता हूँ कमाल सुपर हिट वायरलेस सिस्टम, पुरानी साइंस, पुरानी इंजीनियरिंग। देखिए, यहाँ खड़े रहकर ताली बजाने से उसकी आवाज 480 फुट ऊपर दरबार हाल तक जाती। यहाँ का पहरेदार दुश्मन को आते देखता तो ताली बजाता, उसकी आवाज ऊपर सुनाई देती। ऊपर वाला ताली बजाता तो किले के 8 गेट में ताली सुनाई देती। फौजी लोग तैयार, दुश्मन का खात्मा। आइए यहां खड़े रहकर ताली बजाइए, सुनाई देगी। ताली का मतलब दुश्मन का जासूस आ रहा है, 2 ताली का मतलब दुश्मन की फौज आ रही है, और 3 ताली का मतलब मलिका के सर में दर्द है और ताली मत बजाना। रूपा जी, आ जा
संभल के। ठीक है ना आप, चोट तो नहीं आई है? ओ खून निकला है। कैसा खतरनाक मोड़। जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे ही होते हैं जो पहले से दिखाई नहीं देते, अचानक ही जा जाते। आइए। अरे नको बाबा, मेरे को पानी से बहुत डर लगता है, नाव पलट गई तो क्या होएगा, मेरे को तैरना नहीं आता। चलो ना, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर वालों तक पहुंचा दूंगी। अरे अपना जोरू ना जाता, अल्लाह मियाँ से नाता। माने माने हीरो अकेला, ए ए एकदम अकेला। और माँ बाप? मर गए, उन्हें दंगे में मार दिए गए। किसने मारा नहीं मालूम, काय को मारा नहीं मालूम। मैं जाकर पिक्चर हॉल में छुप गया, बच गया। वो दिन पहली बार सिनेमा का पर्दा देखा मैं, वो दिन और आज का दिन सिनेमा का पर्दा ही छाया है। हर पिक्चर देखता हूं मैं, अच्छी लगे तो बार बार देखता हूं। अब तो ये हाल है कि बंद आंखों में भी सिनेमा दिखाई देता है। आप कुछ बोलिए ना। क्या? कुछ भी, कुछ अपने बारे में, कुछ अपनों के बारे में, कुछ जिंदगी के बारे में, कुछ सपनों के बारे में। मैं हूं, माँ है, पापा बचपन में ही गुजर गए, पता नहीं क्या क्या करके माँ ने मुझे पाला, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं उनका सपना पूरा कर सकूं। आप सपने भी देखती हैं? हाँ, कि मैं बहुत बड़ी स्टार बन गई हूं, सारी दुनिया में मेरा नाम है, हॉलीवुड से ऑफर्स आए हैं, मेरी फिल्में जुबली मना रही हैं, ऑटोग्राफ देते देते मैं थक जाती हूँ। अच्छा लगता है ना? सच। तुम जिंदगी से क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं। फिर भी? कुछ नहीं, अपना तो सच भी फिल्म है, सपना भी फिल्म है, क्या बोलूं? क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? एक सच्चा आशिक। सच्चा आशिक कैसा होता है? जो अपने इश्क के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या? कुछ भी, जो अपने इश्क के लिए जान दे सकता है। तुम क्या इश्क के लिए पानी में कूद सकते हो? क्या बात कर रहे हैं? अलविदा! ये क्या किया तुमने? इश्क का मतलब समझा रहा था। कमाल करते हो तुम। वो तो करता ही हो। अजीज भाई, कुछ देख रहे हैं आप? हाँ यारो, ये अपने हीरो के साथ कौन है? आइए। हीरो के सपनों की शहजादी, फिल्म की हीरोइन। फिल्म की हीरोइन अपने हीरो के साथ? और इस हाल में? आइए।
सलाम। आइए आइए हीरो मियां, कहां से डुबकी लगा के आ रही? अरे चचा, इनको शहर घुमाने ले गया था, पाँव जरा फिसल गया। संभल के चला करो मियां। छोटे, चाय भाई लाओ इनके वास्ते। रूपा जी, ये हमारे अजीज चचा और ये मेरा दोस्त रंगीला पेंटर। और ये रूपा जी, फिल्म की हीरोइन। आदाब। जीती रवि। छोटे जी, इनको घर ले जाओ। बेटी जाके अपने कपड़े बदल लो और चिट्ठी जान को बोलो कि अगर जवानी का कोई जोड़ा है तो इनको दे दें। आइए आइए आइए। एक समझ में नहीं आ रहा रंगीले, क्या बुढ़ापे में बचपने जैसी बातें कर रहे हैं अजीज भाई। सीधी सीधी आग लगी है। हाँ, दोनों तरफ से। एक की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्यों हीरो? ओफो, तो ये आग बुझाने के लिए डुबकी लगाए थे। ये बुझने वाली नहीं चाचा, जितना डूबो उतनी भड़के। बल्ला, जन्नत की हूर जैसे जमीन पर उतर आई, जैसे मेरे पोस्टर से निकल के आ रही हो। जब हकीकत का ये रंग है तो बेचारे ख्वाबों का क्या होगा। आओ बेटी आओ, कितनी अच्छी दिख रही है। कितनी खूबसूरत। शुक्रिया। आइए आइए। चची जान आपको याद कर रही थी। हाँ बेटी, चची जान ने तुम्हें देखा और उनको अपनी जवानी याद आ गई। मैं छूके देखूं? रूपा जी, ये फंटूश की तरह मेरा बचपन भी इधर ही बीता है। स्पेशल जगह है, स्पेशल चाय, ट्राई तो कीजिए। ऐसे नहीं, आवाज करके, जोर से आवाज कर। चलिए देखें ज्यादा आवाज कौन करता है। 1 2 3। हीरो हीरालाल, मैं जिंदगी में इतना कभी नहीं हंसी। सच, थैंक यू। मेरा बस चले तो आप जिंदगी भर हंसती रहें। में जब जब होता हुस्न परेशान, तब आता है आखिरी हीरो। फिल्मी दुनिया की पेशकश आखिरी हीरो। अदाकारों का अदाकार, सितारों का सितारा, सुपरस्टार हीरो हीरालाल के हैरत अंगेज करतब। हुस्न की मलिका रूपा रानी के दिल फरेब तेवर, हुस्न और इश्क की टक्कर। ये शादी नहीं हो सकती। दिल दहला देने वाला सस्पेंस। तुमने रूपा से प्यार करने की जुर्रत की? हाँ। नहीं नाचो,
नाचो। मुझे आई न जग से लाज, मैं इतनी जोर से नाची, आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। मचलता संगीत और जज्बाती तूफान। माँ तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, माँ तुझ पे बुरी नजर उठाने वाले हर शैतान का मैं खून पी जाऊंगा। आ रहा है आखिरी हीरो। हीरो याद है आज फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो के दो टिकट लाया हूँ, ये देख। नहीं यार मैं नहीं, ज्यादा उड़ना ठीक नहीं हीरो। अरे तेरे को हकीकत क्या मालूम, हकीकत रेत की तरह मुट्ठी से निकल जाती है, किस्मत फट के हाथ में आ जाती है और ये इश्क सोडा वाटर के झाग की तरह बैठ जाता है। अरे छोड़ दे ये सपनों की दुनिया में भटकना, खो जाएगा। अरे सपनों के सिवा अपने पास है क्या और खोने को भी क्या है हा? कुछ सपने सांप से भी ज्यादा जहरीले होते हैं, जिंदगी का रंग उड़ा देते हैं। लेकिन इसने तो जिंदगी में रंग भर दिया है रंगीले। सपने सच से ज्यादा खूबसूरत हो तो मैं क्या करूं। मैनेजर साहब ये फिल्म यूनिट वाले कहाँ हैं? गए साहब, गए, गायब हो गए। बिल नहीं दिया तो नहीं दिया, तॉल और साबुन तक चुरा ले गए। बोलो कहाँ ढूंढो उन्हें। पर कोई पता तो होगा उनका। कुछ नहीं, हवा हवाई इंटरनेशनल। अरे ये भी कोई पता है, हवा हवाई हवा हो गए। साहब आपको मालूम है ये रूपा जी कहाँ रहती हैं? हाँ कुछ पता है? नको पता तो नहीं पता। अरे कुछ तो होगा नको। अरे कोई गली का नाम वाम तो होगा। ये बम्बई है, बम्बई, हजारों रूपा रहती है यहाँ। वो रूपा, रूपा बोलना, रूपा फिल्मी स्टार रूपा, वो उसको मिलेगा। हाँ? अरे क्यों भाई अपनी रूपा कहाँ रहती है आपको मालूम है? हाँ पतली गली में। तू कहाँ से आया? हैदराबाद से। आप बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, किसी का अपन से भला होता है तो क्यों नहीं बताएगा। आओ पतली गली। किधर से? अबे रुको रुको रुको, ले आ गया तेरी रूपा का घर। किधर? बोले अच्छा तो ये बात है, फिल्म में सहीज दिखाते हैं। क्या?
कोई भी हीरो बंबई में नया आता है तो ये सीन जरूर होता है। वो तो है। मगर फिल्म में जवाब भी होता है। क्या? भाई साहब, भाई साहब पंचर ठीक कराना मेरे को। अरे जाने देना बाप, चल 14-15 का। अरे भाई साहब क्या है? अरे कुछ खराबी हो गई, मैं ठीक कर देता हूँ। अरे रहने दे बाप, रहने दे, पिछले एक घंटे से मगजमारी कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तेरे से क्या आएगा? अरे मेरे हाथ में जादू है खजन से। हाथ में? बता बता बता। मगर ये जादू का तू पैसे कितने लेता है? अपन जात भाई से पैसा नहीं लेता। जात भाई बोलेगा तो मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। अरे ऐसा क्या बिड़ू, तो फिर आजा देख ले अपनी गाड़ी, अपन भी तेरे हाथ का जादू देख। एक बार स्टार्ट करके तो बताओ। चल स्टार्ट हो जाओ। जो पूछूंगा आप बतलाओगे? हाँ बतलाऊंगा। तेल टंकी में है ना? फुल स्पार्क प्लग चेक किया? हाँ किया। साफ किया? एकदम। खिसके कार्बोरेटर में कचरा? बिल्कुल नहीं। गैप बराबर है? एकदम पत्ती के नाप का। तो फिर जागो देखो, कोई दुश्मन साइलेंसर में कपड़ा गुजर दिया होगा। कपड़ा निकालो, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अरे निकल। अरे वाह उस्ताद वाह, तेरे हाथ में सचमुच जादू है। क्यों सब चाय पिएगा? आओ पिएगा। ओ पार वाला, एक लंबा चाय मार के ले गया हीरो के लिए। अरे चाय लेके दे दो। ये रिक्शा है क्या फिल्म का सेट? वाह वाह वाह। उस्ताद, एक अरे बाप, ये रिक्शा लाया किधर से तू? हैदराबाद से। वही मैं सोचा, बहुत लंबा आया। ये हैदराबाद से बॉम्बे तक चला के? हाँ जरा जल्दी में था ना। समझ गया। क्या बोल बोल? ये ए ए ए देख, झिझकने का नहीं। तेरे को मदद चाहिए तो बोल ना बेड़ो। हाँ मदद चाहिए ना उस्ताद। हाँ बोल बोल। वो फिल्म स्टार है ना रूपा? रूपा? रूपा हाँ है तो उससे मिलना है मेरे काय को। मिलना है बस। होता है। असलम बेटा, इधर आ। क्या हुआ? वो अपनी हीरोइन ना रूपा। हाँ रूपा। वो किधर रहती है? इधर रहती है बोले तो क्या मालूम, पर उसका शूटिंग चलता है आज फिल्मिस्तान में। आज? हाँ। अरे वाह, तो तू भी पहुंचा शूटिंग देख ले। हाँ, मगर वहाँ स्टूडियो में कैसे पहुंचे? हाँ तू हैदराबाद से आया ना। ए असलम ले ये रिक्शा इस हीरो की, धोखे रख चकाचक शाम को लेकर आएगा। पंचर भी ठीक कर देना। हाँ बिंदास सब करके रखना। हाँ फिल्मिस्तान स्टूडियो ले चलाएगा मैं। अरे चला ले गाड़ी वैसी चे, खाली रंग अलग है। बम्बई का रिक्शा। हाँ चलिए जल्दी निकल। ए असलम जा रहे हम लोग। बाप बाप संभाल के। अरे अपना नाम रॉबिन है बिड़ू, तेरा नाम क्या है? हीरो हीरालाल। हमें अंदर जाने दो ना। अंदर जाने देते क्या? वो अपने को नहीं मालूम बाप क्या। पैसे? अरे रहने दे, अपन भी जात भाई से पैसे नहीं लेता है क्या? अरे पर इतना तेल जलाया तो। अरे दोस्ती में दिल भी जलेगा तो बांधा नहीं। जी उस्ताद चल। अरे खाली एक ऑटोग्राफ चाहिए यार, अगर आपको कुछ होता है तो चाय पानी ले लो भाई साहब। अरे जाओ यहाँ से, अब यहीं से घूम देना शुरू कर दिए। जाओ। अरे साफ़ ड्रिंक नहीं, गाय का दूध पियो, इससे दिमाग तेज होता है। जाओ। दुखी लाल को घूस देंगे। अरे जाओ यहाँ से। कहा भाई तोहे का चाहिए यार? गाय का दूध यहाँ। हाँ सुबह से ढूंढ रहा हूँ भैया। गाय का दूध तो हम बरसों बरस सुखी लाल दुखी हो गए। अरे क्या कह रहे हैं, बाहर के लगते हो? ओ हैदराबाद का। यहाँ कैसे आए? ऐसे किसी की तलाश में। वाह रे माया नगरी। अरे हर कौनो इस जगह किसी न किसी चीज की तलाश में आता है। आए आए। अरे भैया कौनो की तलाश में तो कौनो नाम की तलाश में,
तो कौन हो दाम की तलाश में? तुम कौन तलाश में आए? रूपा। कौन रूपा भाई? फिल्म स्टार रूपा। बहुते रूपा आई, चमकी और बुझ गई। चलो चलो निकलो। यहाँ अंदर क्या होता है? बड़े बड़े हीरो लोगों की फिल्म उतरती है, शूटिंग देखोगे? हाँ हाँ, जाओ जाओ, शायद दर्शन हो जाए। जाओ जाओ जाओ। भाई साहब, आप बता सकते हैं रूपा जी कहाँ मिलेंगी? रूपा जी वो देखो जा रही है उस गाड़ी में। हाँ जी, रूपा जी, अरे रूपा जी। देख भाई मेरी बात सुन, स्टार है ना वो स्टार ही होता है, और उसके आजू बाजू वही होता है जो वो चाहता है, समझा के? नहीं अब जा, तू अभी दूसरी नौकरी में भाई। चल ए भगवान भाई। अरे अभी नहीं, एक भगवान सौ इंसान। मैं हूँ बड़े भाई। अरे हीरो हीरालाल। अरे तू कब आया? मैं अभी कल ही आया। अच्छा ठीक है ना, सब अब भगवान मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा ना। अरे हीरो तुम आओ आओ बैठो। मैं तुमसे बात करने आया हूँ। हाँ हाँ बात भी करेंगे, चाय भाई तो पियो। ओ इनसे मिलो, ये है धीरू भाई कपारिया, प्यार का खेल इन्होंने ही बनाया है। हेलो। और ये जीतू भाई पान मसाला वाले, ये बना रहे हैं पैसा ही पैसा। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। अभी? हाँ। लेकिन अभी तो बहुत जरूरी है। पर भाई हम आपसे पहले आए हुए हैं। लेकिन मेरी बात ज्यादा जरूरी है। हम तो रूपा भाई को कहानी सुनाने आए। और हम हकीकत सुनाने। लेकिन हम ये पैसा भी साथ लाए। पैसे रख लो बेटी, कहानी बाद में सुन लेना। ये लीजिए, फिल्म को फुर्सत में देख लेना, अंग्रेजी फिल्म थी, बहुत चली थी, अपना मसाला बाद में ऐड कर लेंगे। थैंक यू। आप साहब? हीरो हीरालाल। क्या लाए हैं? बस खुद आए हैं। आउटडोर पे मिले थे, यहाँ कैसे? ओ, शूटिंग देखने का शौक है। लेकिन यहाँ क्यों आए हैं? मैं सिर्फ रूपा जी को मिलने आया हूँ। क्या काम है? वो मैं नहीं से कह सकता हूँ, अकेले में। रूपा तुम अंदर जाओ। मम्मी अंदर जाओ। रूपा किसी ऐरे गहरे से अकेले में नहीं मिल सकती। मैं कोई ऐरा गहरा नहीं, मैं हीरो हीरालाल हूँ और रूपा से जरूरी काम है मेरे। तुम फिल्म बना रहे हो? नहीं। पैसा लाए हो? नहीं। तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। गुरखा। देखिए मैं रूपा से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। रूपा तुमसे नहीं मिलना चाहती। यही बात अगर रूपा कह दे तो मैं चला जाऊँगा। आपको नहीं मालूम हमारे बीच क्या क्या गुजरा है। तेरी ये मचान, तेरे जैसे हजारों सरपिरे रूपा का नाम लेकर सड़कों पर पागलों की तरह मारे मारे फिरते हैं, लेकिन इस तरह घर में आकर कोई परेशान नहीं करता। गुरखा इसे धक्के देकर बाहर निकालना। जी मैम साहब। और दोबारा दिखाई दे तो सीधा पुलिस में दे देना। जी मैम साहब। जाओ। चलो चलो भाई चलो। सास नहीं होती तो साली का मुंह तोड़ देता मैं। आजा आजा, गाठिया खा, गर्मा गर्म चाय पियो और ठंडा हो जा। आजा भाई। अब तो जब तक बात नहीं हो जाती खाना पीना सो भरा हूँ। भगवान भाई कुछ करो। अरे मैं क्या करूँ भाई। कुछ भी करो, एक बार मिला दो बस। रेंदे, इस चक्कर में भल भले आदमी घन चक्कर हो गए, समझा के? अब तो जो होएगा देखा जाएगा, एक बार मिला दो बस भगवान भाई, कुछ करो जादू। जादू तो फिर ये देख, जादू खुल जा शमशम, और ये देख, देखा? अरे तू भी क्या याद करेगा कि किसी भगवान से पाला पड़ा था। ये क्या है? ये जादू ही कार्ड है जो तेरी सपनों की दुनिया का दरवाजा खोल देगा।
सितारों की दुनिया की मलका को कौन नहीं जानता, और कौन नहीं जानता कि इनका हाथ लगते ही जर्रा भी सितारों की तरह चमकने लगता है। बाअदब, बामुलायजा, होशियार, सितारों का सितारा, शो बिजनेस की रानी, जलवा अफरोज हो रही हैं रानी सितारा देवी। हम जानते हैं आप हमारे हर जश्न का किस बेसब्री से इंतजार करते हैं। हमने जब भी आपको इस सपनों की दुनिया में याद किया, हर बार एक ऐसा तोहफा पेश किया है जो बरसों तक आपके दिलो दिमाग पे छाया रहा है। आज भी आप मेरा एक और करिश्मा देखेंगे जो दिन का चैन छीन लेगा, रातों की नींद उड़ा देगा और बरसों तक आपके दिलो दिमाग पे बिजलियां गिराता रहेगा। पेश है सपनों का सितारा रूपा। क्या हो रहा है? वही जो होना था। छोड़ो, जाने दो मुझे। मैं तुमको यहां से ले जाने आया हूं। कहां? मेरे साथ, यहां से दूर। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। सब देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। हां तो कह दो सबसे। क्या कि तुम मेरे को प्यार करती हो? प्यार करती हो, प्यार करती हो, प्यार करती हो। पागल हो गए हो? आओ, प्यार जो करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं करती। क्या? क्या? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं करती। नहीं करती। नहीं करती। इतना गुरूर। अरे हीरो बनने आया है ये। जो कुछ हुआ हमने देखा, जब जरूरत पड़े याद करना। इन्हें बाइज्जत सही सलामत यहां से बाहर पहुंचा दो। उधर क्या देखता है? मैं अंदर की आवाज हूं।
आवाज। ये भी कोई मरना है? अरे ऐसी मौत से तो जीना बेहतर। मैं मर कर ही जाऊंगा। मरना है तो मर, पर ऐसी मौत मर कि दुनिया कहे कि मौत हो तो ऐसी। अंदर की आवाज के लिए कहना आसान है, बाहर की दुनिया को सहना मुश्किल। अरे अगर सपने देखने की हिम्मत की है, सच्चा आशिक बनने का दावा किया है, तो शानदार मौत के लिए मेहनत भी कर। तू हीरो की तरह जिया है तो हीरो की तरह मर। ऐसी मौत कहाँ मिलेगी? तलाश कर, आंखें खोल, देख तेरे सामने क्या है। बोलो, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? मैं वो करना चाहता हूँ जो आज तक नहीं हुआ। बहुत से लोग इसी ख्वाहिश में जीते हैं। वो ख्वाहिश रखते होंगे, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा भी क्या कर सकते हो? मर सकता हूँ, सचमुच असली मौत। बैठो। पर मरना क्यों चाहते हो? जो हुआ आपने देखा, इसके बाद हीरो और कर भी क्या सकता है? तो तुम मौत का सितारा बनना चाहते हो? कहो मोहब्बत का। मौत तो सिर्फ एक सबूत है। सोच लो, मौत कोई खेल नहीं। आप चाहें तो इसको भी खेल बना सकती हैं। मेरे को सिर्फ मरना है, शर्त बस इतनी कि मौत शानदार होनी चाहिए। एक सच्चे आशिक की मौत, ऐसी मौत जिसको दुनिया देखती रह जाए। तुम जो चाहते हो हम दे सकते हैं, लेकिन हमें क्या मिलेगा? खेल का खेल और सारा नफा आपका। बहुतों की जिंदगियां से खेली हैं आप, इस बार जरा मौत से खेल के तो देखिए। मौत का खेल, चलो दुनिया को यह भी दिखा देते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ दिन और जिंदा रहना पड़ेगा। कितने दिन? 10 दिन। चलो यह भी मंजूर है। जो हम कहेंगे करना होगा। ये मंजूर नहीं, मौत का सौदा हुआ जिंदगी का नहीं। तो फिर हम कैसे मान ले कि तुम सचमुच मरोगे ही? मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। तो हमारा भी वायदा रहा, हम तुम्हें ऐसी शानदार मौत देंगे जो आज तक किसी को मिली है ना मिलेगी। और जिंदगी के बाकी दिन भी तुम ऐसे गुजारोगे जिसे पाने के लिए लोग बार बार मरना चाहेंगे। आज की ताजा खबर। अनजाने हीरो ने हीरोइन को थप्पड़ मारा। आज की ताजा खबर। अनजान हीरो ने हीरोइन को थप्पड़ मारा। आज की ताजा खबर। अरे ये तो अपना हीरो है। और ये वही है ना रूपा, अपनी हीरो वाली। वाह, भी धूम मचा दिया अपना हीरो। क्या हुआ, उधर भी मारम पीटी? अरे तो क्या हुआ, अखबार में फोटो छप गया। अरे तो वही चे उस्ताद जो कान लगा के मिस्टेक पकड़ा था। वही चे मैं पहले ही समझ गया था, ये कोई आलू चालू आदमी नहीं है, एकदम स्पेशल है स्पेशल। बारी माया नहीं। अरे आ तो गोटाओ थे क्यों? ये कहां ले जा रही मेरे को? दुनिया में कितने ही लोग, कितने ही ख्वाहिशें साथ लेकर मर जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। जानते हो, तुम्हारा हर सपना, हर ख्वाहिश पूरी करने का सामान
खरीद कर मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम नहीं जानते तुम कितने खुश नसीब हो। ये है मिस पिंकी, तुम्हारी सेक्रेटरी। तुम्हें किसी तरह की कमी महसूस होने नहीं देगी। राम और श्याम तुम्हारी हिफाजत के लिए जब तक जिंदा हो तुम्हारा बाल भी बांका होने नहीं देंगे। मिस्टर रेड्डी तुम्हारे मैनेजर, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज चाहोगे मिलेगी। मुझे शानदार मौत चाहिए, जिंदगी नहीं। जिंदगी भरपूर जी लेने के बाद मरने का मजा ही कुछ और है। तखलिया, कौन है भाई? हीरो भैया। अरे दुखी लाल जी, तुम? हम यहाँ? हम सोचे कौनो बड़े आदमी हो ही गए। अरे बड़े आदमी बने हमारे दुश्मन, हम तो वही छे हीरो के हीरो। पर तुम यहाँ? कंपनी का नौकरिया है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो यहाँ काहे को चिपके हो, चलो आओ अंदर आओ। नहीं नहीं, मैडम के आर्डर के बगैर तुमसे कौनो नहीं मिल सकते, हम आऊ नहीं। क्या? अच्छा हम चलत है। अच्छा चलो, एक आदमी तो अपना मिल गया इधर, वरना मरने से पहले ही दम घुट जाता था। अरे मरे तो आज दुश्मन। हम एक आदमी को मसीहा बनाएंगे और फिर उसकी मौत भेजेंगे। अब हीरो हीरालाल हमारे लिए इंसान नहीं, हीरों की खान है। चारों तरफ से पैसा बरसेगा, हमें सिर्फ बटोरना है। कौन नहीं मानेगा मरते हुए आदमी की बात। लेकिन रूपा का क्या करेंगे? सपनों की दुनिया में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं। अगर वो मरने से इनकार कर दे तो? मरने से कौन इनकार कर सकता है? मगर कानून इजाजत देगा? जहां मौत बिकती है वहां कुछ भी खरीदा जा सकता है। क्या ये सब? आपके कपड़े। ये क्या बुरे हैं? हाँ? इनको पहन के मैं सर्कस का जोकर नहीं बनूंगा। मैडम का ऑर्डर है। तो जाको मैडम को बनाओ। हमें याद किया? मैडम ये पहनने से इनकार करते हैं। क्या बात है? मैं अपना हुलिया नहीं बदल सकता। तस्वीरें खिंचेंगी, सितारा चमकेगा नहीं तो दुनिया देखेगी कैसे? जो खुद ब खुद ना चमके वो सितारा कैसा? मैं हीरो हीरालाल हूँ और मरते दम तक वो ही रहूंगा। लेकिन तुमने सौदा किया था। ओ, मौत का, जिंदगी का नहीं। खूब याद दिलाया। सब वापस ले जाओ। हीरो हीरालाल जिस हाल में है उसी में उसकी तस्वीरें खींचो, वक्त बहुत कम है। सुना था जब जब लोग नफरत की राह पे चलने लगे, हर बार एक ऐसा इंसान पैदा हुआ है जिसने उन्हें सही राह दिखाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। सदियां बीत गईं, हम इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया। और आज अचानक हमारी इस दुनिया में जहां चारों तरफ नफरत की आग भड़क रही है,
उसे बुझाने के लिए, हमें सही राह दिखाने के लिए एक मोहब्बत का मसीहा हमारे बीच आया है। उस मोहब्बत के मसीहा का नाम है हीरो हीरालाल। जो सबके सामने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देगा सिर्फ मोहब्बत की खातिर। जिसे हम देखेंगे दुनिया देखेगी। मोहब्बत के मसीहा की मौत का खेल, सबसे शानदार और सबसे खतरनाक खेल। ऐसा अजीबोगरीब खेल दुनिया में कभी नहीं खेला गया, कहीं नहीं खेला गया। ऐसा यादगार खेल जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रहेगी। मसीहा के नाम पे जो भी बेच सकते हो बेचो, मोहब्बत के नाम का जो भी फायदा उठा सकते हो उठाओ। मौत के खेल को अफसाना बना दो, हर नौजवान को दीवाना बना दो। हंसते हंसते मर जाएगा असली हीरो हीरा लाल, हीरो हीरा लाल, हीरो हीरा लाल। देखो इश्क का कमाल, क्या बोलता है, देखो मरेगा नहीं मरेगा, लगी 100-100 की लगी। सप्लाई रोक दो, भाव बढ़ने दो। मौत का खेल, मौत का खेल, मौत का खेल। आइए देखिए मौत का खेल, पहली और आखिरी बार। मौत का खेल, मौत का खेल, मौत का खेल। बाकी सब ब्लैक में बेचो। मौत का खेल, मौत का खेल, मौत का खेल, मौत का खेल। सौ के दो सौ, सौ के दो सौ, सौ के दो सौ, सौ के दो सौ। मौत का खेल, मौत का खेल, मौत का खेल। हजार के दो हजार, हजार के दो हजार, हजार के दो हजार, हजार के दो हजार। मौत का खेल, मौत का खेल, मौत का खेल, मौत का खेल। दस हजार के बीस हजार, दस हजार के बीस हजार, दस हजार के बीस हजार, दस हजार के बीस हजार। मौत का खेल, 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 मौत का खेल। मौत के खेल से होने वाले मुनाफे को देखते हुए हमने फैसला किया है कि अपने स्टाफ को एक साल का बोनस दिया जाए। असली हीरो की असली मौत, मौत का खेल, मोहब्बत के मसीहा की मजेदार मौत। एक्सक्यूज मैडम, क्या प्यार को मानती हैं? कोई आपके प्यार के खातिर जान दे रहा है, आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लगता है कोई आपसे इतना प्यार कर सकता है? आप ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं? क्या आपके और उनके बीच शारीरिक संबंध है? क्या आपको प्यार करने के जुर्म में आप उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगी? उनकी कौन सी चीज आपको ज्यादा पसंद है? क्या आप उसे मिलना चाहती है? क्या आपको उनकी कभी याद आती है? क्या आप उसे मरने से नहीं रोकेंगी? क्या आप प्यार कर सकती हैं? आप लोग क्यों मेरी मंगेतर को परेशान कर रहे हैं? आपकी मंगेतर? जी हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो उनके जवाब आपको मेरे ऑफिस से मिल जाएंगे। ओके, ये क्या किया आपने? इन सब से बचने का यही एक तरीका है। पर शादी? तुम्हारी मम्मी से बात हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है? सब तय हो चुका है। पर मैं? तुम फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे, ट्रस्ट मी। ये काहे को असली खून पर बात कर रहे थे? पी लो, गाय का ताजा दूध पी लो, राहत मिलेगा। दुखी लाल, तुम हमेशा सुखी रहो। भैया, हम तो थोड़े में ही सुखी हो जाते, पर ये तुम्हारी दुख हमार समझ के बाहर है। ना समझी में भी बहुत सुख है दुखी लाल भैया। तो ये कहो तो हम रूपा को धाई देनी से उठा लाए। खबरदार जो ऐसी बात की तो। ये चिट्ठी मेरी रूपा को पहुंचा देना। कौन है? आप ही का सेवक। क्या है? चिट्ठिया है। लिखता हूं खत खून से, स्याही ना समझना, ये रंग है चाहत का तबाही ना समझना। किसने भेजा है? खून से चिट्ठिया और कौन लिख सकत है? कौनो संदेशा? नहीं। तो हम जाई? हाँ। भगवान मियाँ। कौन है भाई? बंदे हैं तेरे। चले आओ, चले आओ।
अरे पहचाना? अरे अजीज भाई, हैदराबाद चार मीनार होटल। हाँ। अरे भाई बम्बई में जरूर रहता हूँ लेकिन बम्बई या नहीं हुआ भाई मान गए। ये अपना रंगीला हीरो का जिगरी पेंटर। हाँ। आ, हाँ, आओ 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 अंदर आओ अंदर आओ। अरे अपना ही घर है, आओ आओ इधर आओ इधर अंदर आओ आओ बैठो। अली चाय लाओ तो बे। और सुनाओ अजीज भाई कैसे आना हुआ? बस चले आए भगवान भरोसे। हीरो को बचाने। अरे ऐसे नाटक तो यहाँ रोज होते रहते हैं, आप फिकर मत करो। हीरो की दीवानगी का अंदाजा नहीं आपको? बड़ा जुनून ही उन्हें। पापा पापा हीरो अंकल। पीछे फिल्म का शेष भाग शुरू होने से पहले एक विशेष सूचना सुनिए। मोहब्बत के मसीहा हीरो हीरालाल के दर्शन के लिए दुनिया भर से आशिक यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। श्री हीरो हीरालाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए और उनके चाहने वालों की सुविधा के लिए हर शाम 5 बजे उनके दर्शन की व्यवस्था की गई है। सूचना समाप्त हुई, लीजिए प्रस्तुत है फीचर फिल्म का शेष भाग। अरे मेरे मालिक का हीरो ने पण हमरा से पची बहु काम चमड़ा। चलिए 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 चलिए। अरे 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 प्रेस वाला ध्यान से। अरे क्या कर? अरे चल निकल यार, है पीछे पड़ा है। ध्यान से ध्यान से। हीरो से मिलेगा, हीरो से मिलेगा, है मिलेगी यार, मिले मिलेगी क्यों नहीं। हीरो किसी के बाप की जायदाद है क्या? वो सबका है। हीरो अगर हरे अरे गहरे नत्थू खरे से मिले लगा ना तो हीरो मिलते मिलते मर जाएगा। देखता हूँ, जाने नहीं मिलने देता तू। अरे जा ना। अरे भाई साहब कोई चोट वोट तो नहीं आई? अरे प्रेस वालों पे हाथ उठाता है। अरे ये तो की रिटर्न है पुलिस। प्रेस वालों पे हाथ उठा हमारे क्या बोले मुच्छू वाले भाई साहब। अरे हीरो से मिलेगा है? आओ ना ही मिल सकत, ना ही मिल सकत। क्यों नहीं, क्यों नहीं मिल सकते? दोस्त है हमारा। दोस्त हो या दुश्मन, बगैर मैडम के आर्डर के हीरो से कौनो ना ही मिल सकता। अरे बताओ यार। क्या? हटो हटो, चलो हटो, मैं बात करता हूँ। भैया जी बात ऐसी है कि आजकल जमाना कितना खराब है और फिर महंगाई भी कितनी बढ़ गई है और फिर उस पे चाय पानी का खर्चा नहीं मिले तो गुस्सा तो आवे नहीं है। तो ये लो और ठंडे हो जाओ, समझे? पटा लिया। ये घूसी इस देश की सत्यानाशी जड़ है, है? दुखीलाल को घूस देते हो भाई, है? ये घूस लेके यहाँ से निकल जाओ वरना एक ही घूसे में ये घूस वहीं घुस जाएगी। जाओ। वाह मेरे मालिक, ये हिंदुस्तान में क्या कर रहा है? हमारे कोतवाल साहब, गुस्सा मत करो, कम से कम अपने हीरो को हमारा नाम तो जाके बता दो। नाम बताए दो। हाँ। दर्शन कराए दो। हाँ। फोटो खिंचाए दो। अरे हीरो को तमाशा है क्या भाई, है? अरे बड़े मियाँ जाओ यहाँ से, यहाँ कौनो की दाल नहीं गले वाली, जाओ। चलो चलो, मेरे को तो ये आदमी बहुत डेंजर लगता है, भला इसी में क्या? भगवान भाई देखता हूँ ये लोग हीरो को जबरदस्ती कैसे कैद करके रखते हैं। जान चली जाए परवाह नहीं लेकिन हीरो को छुड़ा के रहेंगे। मगर रंगीले, रंगीले हीरो, हीरो रंगीले हीरो 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 हीरो। क्या हो रहा है ये? बेगम साहबा ज्यादती हो रही हम पे। कौन है ये लोग? दोस्त है हीरो के, बुला उसको, पूछो उसे। अब ये वो हीरो नहीं जिसे तुम जानते थे, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। अरे मैडम, अरे मैडम, ये देखा साहब, मैडम सुनिए तो भाई, धीरे। अरे मैडम, क्या हो रहा था? तुम क्यों चिंता करते हो, ये सब तो होता ही रहता है। पर मेरा नाम लेके कोई पुकार रहा था। थे कुछ पागल, इसीलिए आवाज जानी पहचानी लगी। देखो लोग कितने दीवाने हो गए हैं तुम्हारे, कितना प्यार करने लगे हैं तुम्हें, कहां से कहां पहुंच गए हो तुम। मौत वही जो दुनिया देखे, वही जो दुनिया देखे, चुप चुप आए भरना। ए हट जाओ, पीछे हट जाओ, मैं बोलो निकल जाओ। अरे घर चले जाओ, पीछे हट जाओ, सबको अंदर कर दूंगा। निकलो निकलो यहां से, पीछे पीछे। तेरी तलाश में हीरो हम आ गए, अजीत भाई आ गए हम लोग, और चचा हीरो और रंगीला है। अबे भगवान भाई
हीरो, ये हीरो, अरे हम हीरो, हम हीरो सबके साथ। तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर आओ ना, ये मेरे दोस्त हैं। मसीहा के दोस्त नहीं होते, वो अकेला होता है। तो मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। उनके लिए अब तुम बहुत ऊपर उठ चुके हो। हाँ तो मैं नीचे जाके मिल लेता हूँ। अब तुम नीचे भी नहीं जा सकते, तो इनको ऊपर बुलाइए। यहाँ तक पहुँचने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। लो एक बार और सही। अरे हीरो, हीरो, भगवान, ये क्या कर रहे हो? अगर आगे बढ़े तो अभी कूद कर जान दे दूंगा। भूलो मत, तुम्हारी मौत हम खरीद चुके हैं। हाँ खूब याद दिलाया, लेकिन जिंदगी तो मेरी अपनी है ना, भले ही जरा सी क्यों ना हो। आपने वादा किया था कि जो चाहूंगा वो मिलेगा, अगर आप अपना वादा तोड़ सकती हैं तो मैं भी जब चाहूं मर सकता हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठहरो, इनके दोस्तों को यहां ले आओ। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मेरे बच्चे माल का आदमी अपना एक। चलिए आपको बुलाया है। ओ चचा 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 चचा, कैसे हो? हे भगवान भाई, अबे रंगीले साले, ये देख यहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा आओ ना अंदर, ये देखो। अरे मेरे हीरो, तू तो सही भी कमाल कर दिया। क्या ठाट है, ये तो किसी फिल्म का सेट लगता है। उधर क्या है? चलना दिखाता हूँ तेरे को। पर है क्या? अरे चलना। क्या? ए भगवान भाई, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ हो ना। अपने को तो हीरो से हटके खड़े रहने की आदत ही है। जाओ बैठो। अरे जिधर मर्जी आए उधर बैठो, सब अपना ही समझो। चचा हैदराबाद में खैरियत तो है ना? हैदराबाद सुना सुना था पड़ गया तेरे पर और इधर धमाल हो गई। तू तो सचमुच बड़ा आदमी बन गया। अरे नको रंगीले, मैं तो वही का वही छू, हालात बदल गए बस। भूख लगी? हाँ चचा। नहीं। हाँ भगवान भाई। हाँ लगी है। रेड्डी साहब, रेड्डी साहब क्या है, ये मेरे दोस्त हैं और आपके मेहमान, आप इनकी खातिर करो फटाफट। चला जो खाने को जी चाहे बिला हिचक बोलो, दोस्ती की कसम हिचकना नहीं। तकल्लुफ कर रहे तुम। लो दोस्ती की कसम भी हजम कर गए, बोलो ना चचा। अच्छा तो रेड्डी साहब ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ा सा पत्थर का गोश्त, लुखमियों के साथ शेख कबाब, दो गोश्ता बिरयानी, शामी शिखमपुर और आखिर में खुरमानी का मिठ्ठा। अगर वो नहीं है तो कद्दू की खीर, अगर वो भी नहीं है तो डबल का मिठ्ठा भी चलेगा। भगवान भाई, और मेरे लिए उंधिया, आमरस पूरी और श्रीखंड। वो क्या है उंधिया में? मेरे लिए दाल बाटी, चूरमा और दूध जलेबी। दूध जलेबी। और तुम? सब में से थोड़ा थोड़ा। जी कोशिश करता हूँ। कोशिश? जी लाता हूँ। ये क्या बचपना है, तुम उसके खत लेती ही क्यों हो? वो तो पागल है। हाँ मम्मी, लेकिन मेरे लिए ना। तू स्टार है बेटी, और कितने ही स्टार के दीवाने खुदकुशी कर लेते हैं, ये तो खुशी की बात है, यही तो सबूत है तेरे स्टार होने का। किसी वाही पर खड़ी हुई कामयाबी मुझे नहीं चाहिए। मैंने दुनिया देखी है, मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। मुझ पर भरोसा नहीं मामी? हाँ मैंने भी एक बार यही गलती की थी, लेकिन दुनिया ने समझा दिया सिर्फ प्यार ही अपने आप में कुछ नहीं है, इज्जत से जीने के लिए और बहुत कुछ चाहिए। इसीलिए कहती हूं प्रेम ही तुम्हारे लायक है। बहुत बड़ा स्टार है वो, शक्ल है, सूरत है, शान है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है, क्या नहीं है उसके पास। मैं भी हर मां की तरह तुम्हें सुखी देखना चाहती हूं। क्या मैं गलत चाहती हूं? नहीं मम्मी। चल खा ले। हीरो बहुत हो गया खेल, मरना कोई मजाक है?
हाँ, और इशक विशक में कोई जान देता है, वो भी आज के जमाने में। और क्या, और वो भी प्लानिंग करा के। मैंने फैसला कर लिया है। अरे हीरो मेरे बच्चे, मान जा, हम वापस चलेंगे। देख तेरे को हमारी कसम। मैं कसमों वादों से ऊपर उठ चुका हूं चाचा। तो क्या एक लड़की के लिए जान दे देगा? अरे अपने लिए नहीं तो हमारे लिए तो जी ले, हमारा कोई हक नहीं तुझ पे। मैं जबान दे चुका हूं। ठीक है, तो तुझे जो करना है वो तू कर, और हम लोगों को जो करना है वो हम करेंगे। ठीक है, चल। कहा ना मैं इंटरव्यू नहीं देती हूं। नमस्ते रूपा जी। कहो भगवान। ये हीरो के दोस्त आए हैं आपसे मिलने के लिए। मेरे को नहीं पहचाना बेटी? वो ताजमहल होटल वाले अजीज भाई। हाँ। ओ हाँ हाँ, आप बैठिए। लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तू ही उसकी जान बचा सकती बेटी, फजूल में बेचारे की जान चली जाएंगी। लेकिन उसकी जिम्मेदार मैं तो नहीं। उसकी जान तो बचा सकती ना। मैं कैसे? बस हाँ बोल दे। कैसी हाँ? नमस्ते मैडम। भगवान, कौन है ये लोग? ये हीरो के दोस्त लोग। हीरो हीरो हीरो, हीरो को क्या हमने कैद करके रखा है? नहीं, देखिए मोहतरमा, आपको तकलीफ देने की माफी चाहते हैं। हाँ। लेकिन आप ही सोचिए, अगर हीरो बेकार की बातें सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास। अरे अगर हीरो मर गया तो बहुत बुरा होगा। होगा तो होने दो, मैं क्या करूं? देखिए रूपा जी, अगर एक बार उसे मिल ले तो वो बात मान जाएगा। हाँ। रूपा एरो गैरो से नहीं मिलती। एरा गैरा नहीं है हमारा बच्चा, सारी दुनिया में नाम है उसका, लोग उसकी एक झलक देखने तक कुतरसते, चिराग लेकर ढूंढो तो नहीं मिलेगा ऐसा हीरा। ऐसा हीरा खा के हमें खुदकुशी नहीं करनी। भगवान, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और जो गलती आप कर रहे हैं ना, वो भी नहीं होनी चाहिए। मेरे सामने ऐसी बातें बोलने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? क्योंकि भगवान किसी का नौकर नहीं है। अजीत भाई चलो। कतरा कतरा खून का हंसकर कहेगा देखना, रंग लाएगी हमारी आशिकी भी एक दिन। वाह, आप ये जबान भी जानती हैं? शायरी भी करते हो? अरे शायरी तो अपने खून में है। बेकार बहा रहे हो, वो नहीं मानेगी। मानना ना मानना उसकी मर्जी, मोहब्बत करना मेरा हक है। हाय रूपा। हाँ, कैसी है मिसेस कॉल? हेलो। शादी की तारीख हमने तय कर दी है। जिस दिन सितारा देवी का मौत का खेल होगा उस दिन हम दोनों, मेरा मतलब है रूपा और मैं, हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये क्या है मम्मी, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई बेटे। प्रेम, तुम कितने अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हो हमारा। हम हमेशा अपनी चीजों का ख्याल रखते हैं। मैं कोई चीज नहीं हूँ, और अभी मुझे शादी भी नहीं करनी है। कैसी बातें करती हो बेटी, तुम्हें समझा तो दिया था। जल्दी क्या है मामी, और फिर उसकी मौत के दिन शादी करना। शुभ खड़ी है, भूल जाओ। अगर सचमुच उसने मेरी खातिर जान दे दी तो मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। मोहब्बत के मसीहा हीरो हीरालाल की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दुनिया के कोने कोने से उनके चाहने वाले यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री श्रीवास्तव जी ने मोहब्बत के मसीहा हीरो हीरालाल से भेंट वार्ता की। वे उनके साथ 12 मिनट थे। दूसरी तरफ मानव अनुसंधान केंद्र वालों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया और हीरो बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। उनकी मांग है कि इस मौत के खेल को किसी भी हाल में रोका जाए। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा ये मौत का खेल मेरी जिंदगी में जहर घोल देगा। तुम्हारी जिंदगी से मौत का खेल कहीं ज्यादा कीमती है। मैं इसे खरीद लूंगा, लेकिन ये खेल नहीं होने दूंगा।
खेल तो ये होके रहेगा, इसे कोई खरीद नहीं सकता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पर तुम क्यों मेरी खुशी छीन लेना चाहती हो? तुम्हारी खुशी या नाखुशी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं असली हीरो और असली प्यार को खूब पहचानती हूँ। शायद तुम मुझे नहीं पहचानते। तुम्हारे जैसे सैकड़ों स्टार मेरे सैंडल चूमने को तरसते हैं। सितारों को बनाना बिगाड़ना ही तो मेरा पेशा है। यह गुरूर टूट भी सकता है। टूटता हुआ सितारा शायद तुमने पहले कभी नहीं देखा। वो भी देख लूंगा। तुम अपना खेल खेलो रानी, मैं अपना खेलता हूं। तुम जा सकते हो। रॉबर्ट। यस बॉस। हीरो हीरा लाल को किडनैप कर लो। हो जाएगा बॉस, आप बोलो तो हम उसका। नहीं नहीं नहीं, वो मरना नहीं चाहिए। कुछ मुर्दे ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसे ऐसी जगह छुपा के रखो कि उसे मौत तक नसीब ना हो। भगवान मियाँ कुछ तो करो, उसको मौत के मुंह से छुड़ाना पड़ेगा, चाहे जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। हैदराबाद होता तो मैं सैकड़ों आदमी खड़े कर देता। हाँ, पर यहाँ तो बेइज्जती हो गई। अजीज मियाँ, अगर हम हीरो हीरालाल को जबरदस्ती उठा के ले जाए तो है? हाँ, ठीक है ना, बाद में जो होऊंगा देखा जाएगा। मगर इतना बड़ा पहरा है उसके आसपास। अरे तो खाली हाँ बोलो ने। हेलो हेलो, स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन। अरे जरा अजीम भाई से बात कराना। हेलो अजीम भाई, सलाम वालेकुम, मैं भगवान बोल रहा हूँ। क्या है अजीम भाई, आपकी डेट चाहिए थी। कैसी हो रूपा? जी ठीक हूँ। कुछ परेशान नजर आ रही हो, मैं समझती हूँ क्यों। तो फिर ये सब क्यों? वक्त की मांग है। वक्त की मांग? मौत का खेल, एक मासूम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़, ये क्या कर रही हैं आप? मैं नहीं गई थी उसके पास, वो आया था मेरे पास एक टूटी फूटी जिंदगी लेकर, शानदार मौत की तलाश में। और जिसे देने का आपने वादा? हाँ, उसके प्यार को देखकर लगा कि मुझे उसका सपना पूरा करना चाहिए, सो किया। और उसकी बाकी बची हुई जिंदगी को भी सपने से ज्यादा खूबसूरत बना दिया। क्या गलत किया मैंने? और मुझे भूल गए आप? भूल गई कि मेरा क्या होगा? तुम्हारा मकसद स्टार बनने का था, सो मैंने पूरा किया। और तुम्हें जिस तरह की पब्लिसिटी मिली है उससे तो मैं और भी खुश हूं। और मेरी जिंदगी में जो उथल पुथल मची है वो? हर एक सपने की कीमत चुकानी पड़ती है रूपा, फर्क सिर्फ सपने सपने की कीमत में होता है। कोई चैन देके चुकाता है, कोई जान देके। आप उसे मरने से भी तो रोक सकती हैं। उसका सपना छीन कर जीने की जिद ना करो उससे। कैसे जिएगा वो टूटा हुआ दिल लेकर बिना किसी उम्मीद के? ख्वाहिशों के खंडहर पर सपनों के महल नहीं बनते। उसे मर जाने दो। बदनसीब, वो मेरी खातिर जान दे देगा, इस ख्याल से ही बेचैन हो जाती हो। बदनसीब शायद वो नहीं, तुम हो। मैं समझी नहीं। समझाती हूं। एक औरत के नाते तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, लोगों को देखा है, मर्दों को देखा है। क्या नहीं है मेरे पास? ऐसा क्या है दुनिया में जो मैं खरीद नहीं सकती? कुछ नहीं है रूपा, मैं प्यार नहीं खरीद सकती। आज की इस दुनिया में जहां प्यार को बेवकूफी समझा जाता है, वहां एक आदमी है जिसके दिल में किसी के लिए इतना प्यार है जिसकी कोई हद नहीं। मुझे कोई ऐसा प्यार करने वाला मिल जाए तो मैं अपनी सारी दौलत ठुकरा दूं। कैसी अजीबोगरीब सच्चाई है, जिस चीज को तुमने ठुकरा दिया उसे मैं अपनी सारी दौलत देकर भी नहीं खरीद सकती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मेरी माँ के सपने, दूसरी तरफ मेरे अरमान, मेरी जिंदगी, और बीच में उसकी मौत। मैं क्या करूं? आओ रूपा, जी भर के रो लो, मन हल्का हो जाएगा।
सुनो, मुझे गलत मत समझना, अगर तुम उसे चाहती होती तो मौत का ये खेल कभी ना होता। ये सब क्या हो रहा है? टीवी वाले हैं। सॉरी सर। कमाल है, यहां क्या लेने आए हैं? रूपा की मुलाकात हीरो के साथ। मैं ये नहीं होने दूंगा। बेवकूफ मत बनो, जरा सोचो तो सही। पूरी दुनिया के लोग इसे देखेंगे, पागल हो जाएंगे ये असली जिंदगी का ड्रामा देखकर। मेरे को यकीन था तुम जरूर मिलोगी। मरने से पहले एक बार तुमको जी भर के देख लेना चाहता था। मैं तुम्हें मरने से रोकने आई हूं। अब बहुत देर हो चुकी है रूपा, अपने से किया हुआ वादा भी नहीं निभाया तो कौन यकीन करेगा मेरी मोहब्बत पर? कौन मानेगा कि मैंने तुमसे प्यार किया? तुमने यह जिद न छोड़ी तो जिंदगी भर मेरे मन पर बोझ बने रहोगे। ये ख्याल दिल से निकाल दो, मेरी मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो, ये फैसला सिर्फ मेरा है। लेकिन मेरी खातिर ना? नहीं, मोहब्बत की खातिर। जिस मोहब्बत की खातिर तुम जान दे सकते हो, उसी मोहब्बत की खातिर जी भी तो सकते हो। तुम्हारी मोहब्बत के बिना जिंदा लाश बन के जीने का कोई मतलब नहीं। ये सरासर पागलपन है। जो भी है यही मेरा सच है। मत खेलो ये खेल हीरालाल। मत रो रूपा, रूपा मत रो। देखो ना मोहब्बत ने मेरे को क्या से क्या बना दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। कोई मोहब्बत जो तुम्हारे काबिल तो नहीं थी, लेकिन जिसकी याद तुम भुला नहीं सकोगी। आज हम तुम्हारी महफिल से चले जाएंगे, याद रखना हम तुम्हें रह रह के याद आएंगे। रूह मेरी कान में चुपके से कुछ कह जाएगी, बादलों से हम तुम्हारे ख्वाब बिछा जाएंगे। बंद करो ये बकवास। Thank you.
लेकिन ये साथ में पुलिस की वैन का एको है। अब क्या होगा? हा? जो होगा देखा जाएगा। अबे अभी बताता हूँ तुझे, जल्दी करो। खबरदार चला नहीं। कार फेंको। अरे शूटिंग पे देखा है कहीं नकली पुलिस तो नहीं है, है? फिल्म की पुलिस की गाड़ी है यार, पीछा पीछा करो जल्दी। साहब अपना पीछा हो रहा है, जल्दी जल्दी करो यार। गाड़ी क्यों रोक दी? अरे बोलो ना यार, लगी ले, उतर उतर उतर। वाह देखो वाह, क्या निशाना है, पुलिस नकली और गोली असली। अरे वारे मेरे मालिक, ये भी अभी होना था, क्या करेंगे? क्या सोचो ना, सोचो। अरे क्या सोचो, हीरो के दोस्त या दुश्मन? दोस्त 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 दोस्त। बैठो बैठो बैठो, जल्दी जल्दी चलो। जानेमन, अब तो हमारा रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। जल्दी दोहरा भी हो जाएगा। सोते नहीं सही, माँ हूँ मैं उसकी। लेकिन अगर वो सोने की चिड़िया फुर से उड़ गई तो? इसीलिए तो प्रेम नाम का पिंजरा बनवाया है हमने, उड़ के जाएगी कहाँ। माल पहुंच गया है बॉस। सही सलामत। हाँ चलो, कोई काम तो तुमने ठीक किया। थैंक यू बॉस, थैंक यू। कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? कोई नया फॉर्मूला ढूंढो। ऐसा करो, आज उसका दिल तोड़ता हूँ। हो जाएगा बॉस, हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो, तुम्हारे दिल के कितने टुकड़े किए जाएं? बोलो बोलो। ये कौन सी फ्लॉप फिल्म से बांध के रखा है मेरे को? असली हीरो। सुनो सुनो खेलो। अरे मानो मेरी बात, यहाँ कोई मरने वाला नहीं। ऐसे भी कोई मरता है? आपका मसीहा मौत के डर से भाग गया है? अगर वो नहीं आया तो आपके खेल का क्या होगा? उसके गायब होने के पीछे किसका हाथ है? क्या आपने इसे पब्लिसिटी के लिए किया है? क्या रूपा मान गई है? क्या हीरो हीरालाल? अफवाहों के जवाब नहीं होते, मसीहा कभी झूठ नहीं बोलता और सितारा पे शक नहीं किया जाता।
क्यों लटक गए ना? देखा सितारों से टकराने का अंजाम? ये बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी? मैं तो वैसे भी मरने जा रहा हूँ। तुम्हारे जैसा जोकर मेरी मंगेतर से मोहब्बत करे और मैं देखता रहूँ। हाँ, दो मिनट के लिए हाथ खोल दो, पता चल जाएगा कौन हीरो है कौन जोकर। हीरो वही होता है जिसे आखिर में हीरोइन मिलती है। रूपा भले ही तुमको मिल जाए, उसका प्यार तुमको नहीं मिल सकता। वो मेरे साथ जाएगा। मुझे प्यार व्यार नहीं चाहिए, मुझे रूपा चाहिए जो मुझे मिल रही है। तुमने रूपा का सपना देखने की जरूरत कैसे की? क्या दे सकते हो तुम रूपा को? अपना दिल, अपना जहान, अपनी जिंदगी। यहां इन चीजों की कोई कीमत नहीं। अबे बेवकूफ, प्यार की भी बोली लगती है, यहां बोल खरीद सकेगा? तुम्हारे जैसा खालिस कमीना कभी फिल्म में भी नहीं देखा मैं। और देखोगे भी नहीं। सबसे पहले मैं रानी का शो फ्लॉप करवाऊंगा, उसके बाद मैं शादी करूंगा रूपा के साथ, और उसके बाद मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें सरेआम खुल्ला छोड़ दूंगा। पब्लिक खुद इस खोटे मसीहा को पत्थर मार मार के मजनू बना देगी। रॉबर्ट। यस बॉस। इसे तड़पा तड़पा कर जिंदा रखो, इतना सताओ इसे कि इसके सारे सपने टूट के बिखर जाएं। दोस्त, तुम्हारी फिल्म यही खत्म होती है। इस गलत फहमी में मत रहना, हीरो यहीं ये कहानी खत्म नहीं होने देगा, अभी क्लाइमैक्स बाकी है। क्लाइमैक्स? क्लाइमैक्स बाकी है। सितारा ने आपसे जब भी जो भी वादा किया है निभाया है। इत्मीनान रखिए, हीरो हीरालाल है, मोहब्बत का मसीहा आएगा और मौत का खेल होगा। सच बोला, क्लाइमेक्स यही होगा। तुम क्या समझते हो मैं स्टार की हर बात मान लूंगा? कौन कहता है मैं हीरो को मार नहीं सकता? मौत का खेल यही होगा। तेरे बाकी के दोस्त सब आ रहे हैं, चल मुझे मेरी मौत तक पहुंचा दे। क्या पागल हो गया क्या? जल्दी कर यार, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मरने में देर हो जाएगी। तेरे को इतनी मुश्किल से बताया क्या मरने के लिए? जा दोस्त, मान जा। सही हीरो, मैं तुझे मरने के लिए नहीं जाने दूंगा। माफ करना दोस्त।
जश्न है मोहब्बत का, शान से मनाना ऐसा ये प्यार का, सबको सुनाना जश्न है मोहब्बत का, शान से मनाना ऐसा ये प्यार का, सबको सुनाना। दर्द भरी दास्तां हंस हंस के गाना, आशिक की मौत है भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना।
बहादुर, बहादुर, बहादुर। बड़े साल में, अरे फिल्मों के चाहने वालों रास्ता छोड़ो भाई, हम लोग भी सच और सपनों से बने हुए आप ही कितने लोग हैं। प्लीज प्लीज जल्दी कीजिए, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझे फौरन हॉल पहुंचना है। अच्छा मोहतरमा जी, आपको भी हैप्पी एंडिंग चाहिए और आपको भी
राइट, कोशिश करते हैं। गाड़ी में बैठो ड्राइवर, गाड़ी हम चलाएंगे। जाओ रूपा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। फिल्मों में तो हैप्पी एंडिंग बहुत देखे, असली जिंदगी में भी हो जाए ना तो क्या बात। बाय। आगे बढ़ा तो तेरे प्यार की धज्जियां उड़ा दूंगा। मौत के तमाशबीनों, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। मौत का खेल होकर रहेगा। आप खेल देखने आए हैं ना, खेल देखकर ही जाएंगे और आप सब इस खेल में शरीक होंगे। मौत का खेल हो और खून ना बहे, ये कैसे हो सकता है? खून तो बहेगा, जरूर बहेगा। भारत साले को खेल खत्म। हीरो भगवान आ गया है। हीरो
सब कुछ तो चलो अब आप लोग घर जा सकते हैं।